सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी एक 7 सीटर कार लेना चाहते हैं और आपका बजट है अंडर 10 लाख, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। सो बने रहिए शुरू से आखिरी तक, ताकि आप आपकी चॉइस की कार अपने हिसाब से आपकी पसंद की कार ले सकें। तो आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी कार बताने जा रहा हूँ जो 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ सबसे बेस्ट है। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं और हमारी लिस्ट में है मारुति सुजुकी आर्टिका। आर्टिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार जो आपको अंडर 10 लाख में आती है। आर्टिका इस सेगमेंट की ऐसी कार है जो आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों में आ जाती है। यह 10 लाख में आने वाली कार है और इसका जो बेस वेरिएंट आपको 10 लाख में आराम से मिल जाएगा और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको 9 लाख के अंदर मिल जाएगी। ये LXi का पेट्रोल वेरिएंट है। वहीं इसका VXi वेरिएंट की बात करें हम तो 9,90,000 में आपको आराम से पड़ जाएगा, जो कि टॉप सेलिंग वेरिएंट भी माना जाता है। वहीं आप चाहते हैं CNG के साथ ले, तो CNG में गाड़ी आपको पड़ जाती है 10,89,000 रुपीस ऑन रोड। तो अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की सेकेंड गाड़ी, तो ये है बोलेरो नियो। तो अगर आप एक बड़ी दिखने वाली कार SUV देख रहे हैं तो दिखने में बहुत प्रीमियम हो जाएगी आपके लिए बोलेरो। इसमें आपको बहुत अच्छा लुक मिल जाता है, काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है और उसी के साथ साथ आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है। तो बोलेरो नियो के बेस वेरिएंट डीजल में आपको 9,90,000 में मिल जाता है। वहीं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 1493 cc का M होकलेन इंजन मिल जाता है, जो कि 100 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 260 Nm टोवर्क जनरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं थर्ड नंबर वाली गाड़ी, जो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर मारुति सुजुकी की इको है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ी दिखने वाली 7 सीटर हो, जो आप बड़ी दिखने वाली 7 सीटर हो, तो आप जा सकते हैं मारुति इको की तरफ। तो अगर आप लेना चाहते हैं मारुति इको 7 सीटिंग कैपेसिटी वाली, तो वेरियंट में आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी 5,18,000 में ऑन रोड, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि बेसिक फीचर्स होते हैं। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो आपको 1196 cc का इंजन मिल जाता है, जो 72 bhp की पावर जनरेट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली कार की। तो ये कार है अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार, आप समझ ही गए होंगे। ये गाड़ी है रेनॉल्ट की टिबर, जो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है, बहुत अच्छे लुक के साथ आती है, जो कि दिखने में बहुत अच्छी भी लगती है। अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग है वो 6,24,000 से शुरू हो जाती है। इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो 9,20,000 में आपको आराम से पड़ जाएगा, जो कि ऑन रोड प्राइस है। तो इसके सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट की बात की जाए तो है इसका RXT वेरिएंट, जो आपको 7,83,000 में ऑन रोड पड़ जाएगा। इसमें आपको 999 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 71 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि 71 bhp की पावर के साथ साथ 96 Nm का टॉर्क। तब हम बात करते हैं अगली गाड़ी की, जो आपकी सबकी पसंद है और आपने अक्सर इस गाड़ी को रोड पर देखा होगा, जो कि है बोलेरो की पहली वाली जनरेशन की बोलेरो। इसका आपको बिफोर वेरिएंट 9,84,000 का मिल जाता है। फीचर्स के मामले में आपको इसके सारे बेस फीचर्स मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको काफ़ी अच्छी दिखने में भी यह दिखेगी। एक प्रीमियम लुक के साथ 7 सीटर SUV आपको आराम से मिल जाएगी। ये जितने भी 5 गाड़ी हमने आपको बताई, ये 5 सेगमेंट में बिकने वाली बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार है। बात अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और शायद आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर कोई भी 10 लाख के अंदर की कार तलाश कर रहा है तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। हम इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।